नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। कोंजालो नगर पालिका परिषद में निकाय चुनाव में सभी ने अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे प्रत्याशी। वही आज निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर गोखले नगर पश्चिमी से कर्मठ एवं जुझारू महिला प्रत्याशी राधादीप सिंह कुशवाहा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मोहल्ले के समाज सेवी राम मनोहर सोनी द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। वही राधा कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए सभी से अपील की है। और राधादीप सिंह कुशवाहा गोखले नगर पश्चिमी वार्ड नंबर 3 में लगातार घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग हमें मतदान देकर अपने बेटे को जिताने का कार्य करें, जिससे कि मोहल्ले में लोगों को बिजली, पानी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था में बैठ के बना सके। इसी को लेकर कोई चुनाव मैदान में उतरे हैं। वही कार्यालय उद्घाटन पर उनके मोहल्ले के महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। अच्छा, आप नगर सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मोहल्ले से लड़ रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मोहल्ला है गोखले नगर 3, मैं इस मुद्दे पर लड़ रहा हूँ चुनाव कि यहाँ जो कुछ काम है वो मैं काम पूरा करूँगा। कई रोड है और पाइपलाइन बिछना है, ये सब कुछ है जो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूँगा।